हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय पृथ्वीराज इंस्टीट्यूट चैनल स्टूडेंट आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड दो हज़ार इक्कीस एग्जाम के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस क्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि क्लास इलेक्ट्रिसिटी सॉरी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से लिए गए हैं और टोटल ट्वेंटी ट्वेंटी क्वेश्चनस होंगे जो कि हम लोग पार्ट वन की वीडियो में यानी इस वीडियो में सिर्फ टेन क्वेश्चन रिकवर करेंगे और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी हम लोग सिर्फ एम सी क्यू क्वेश्चन करेंगे और बाद में फिर एन सी ई आर टी के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो आइए ज़्यादा टाइम नो वेस्ट करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर वन की तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग गैसेज आर फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है तो ऑप्शन नंबर वन है आपका एंड नियॉन ऑप्शन नंबर टू है आर्गन एंड नाइट्रोजन ऑप्शन नंबर थ्री है नियॉन एंड आर्गन ऑप्शन नंबर फोर है आर्गन एंड हाइड्रोजन तो मैं आपको बता दूं अगर आप एन सी आर टी की बुक पढ़े होंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर तो उसमें आपको दिया गया है जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं चाहे जो भी इलेक्ट्रिक बल्ब है उसमें जो गैस भरी जाती है उसमें या तो आर्गन या तो नाइट्रोजन तो क्वेश्चन नंबर वन का ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आइए क्वेश्चन नंबर टू की तरफ हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू हमारा कह रहा है वाई बैटरी इज यूज इन सर्किट यानी कि हम लोग सर्किट में किसी भी सर्किट में बैटरी का यूज क्यों करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए मेजर करंट ऑप्शन नंबर बी अपोज द करेंट ऑप्शन नंबर सी मेजर ए पोटेंशियल ऑप्शन नंबर डी मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस तो इसका सही आंसर होगा मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस यानी बैटरी को हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि वो हमारे सर्किट में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेंटेन कर सके तो क्वेश्चन नंबर टू का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर टू का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन नंबर थ्री की तरह हम लोग आगे मूव करते हैं तो क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है ड्यूरिंग द ओम्स स्लाय यानी ओम्स स्ला के समय क्या होता है एमी जो होता है एमी ऑप्शन नंबर एक कह रहा है एमी एंड ओल्ड मीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज क्या एमी और ओल्ड मीटर जो कनेक्ट किया जाता है सर्किट में क्या वो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो ऑप्शन नंबर ए गलत है ऑप्शन नंबर बी की तरफ मूव करते हैं जो एमी मीटर होता है शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज एंड ओट मीटर इन पैरेलल तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट यानी हमेशा जो भी होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ओम्सला होता है जब भी, भी सर्किट में हम लोग एमी मीटर को ऐड करते हैं तो सीरीज में ऐड करते हैं और ओट मीटर को जब भी ऐड करते हैं सर्किट में तो पैरेलल ऐड करते हैं तो क्वेश्चन नंबर थ्री का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर थ्री का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट तो क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर ये है रेस्टिविटी ऑफ ए मेटालिक वायर डिपेंड ऑन यानी किसी भी मेटेलिक वायर का जो रेस्टिविटी होता है वो किस पर डिपेंड करता है तो सबसे पहले लेंथ दिया है ऑप्शन नंबर ए जो कि गलत है शेप पर भी डिपेंड नहीं करता है थिकनेस पर भी डिपेंड नहीं करता है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल पे कि वो जो वायर है जो मेटेलिक वायर है वो किस मटेरियल का बनाया गया है तो क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट यही जो रेस्टिविटी होती है मेटेलिक वायर वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ़ द मटेरियल पर क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ हम लोग मूव करते हैं तो क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है रियो स्टेट इज यूज इन सर्किट मैं आपको बता दूं अगर आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़े होंगे तो जो रियो स्टेट हमारा होता है ये करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम करता है तो इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है इंक्रीज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट क्या ये सिर्फ करंट को इंक्रीज करता है या डिक्रीज ऑफ करंट या करंट को डिक्रीज़ करता है तो ये दोनों के लिए काम आता है इंक्रीज़ और डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट यानी कि जो रियोस्टेट हमारा होता है ये करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम करता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप नोट कर लीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ हम लोग मूव करते हैं कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेर इज इनवर्सली एज अगर आप रेजिस्टेंस का फार्मूला जानते होंगे तो आपका इसका आंसर पता होना चाहिए जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका रो एल वाई ए के यानी कि और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हमेशा रेजिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट यानी कि किसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ठीक और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के यानी आप लेंथ को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा यानी आप सीधा ऐसे ऐसे कर लीजिए जितना पतला रोड होगा ट्रैफिक उतना ज़्यादा मिलेगा अगर रोड को चौड़ा कर देंगे तो ट्रैफिक हमारी कम हो जाएगी वही सेम डिपेंड इस पर करता है अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो एरिया का यानी उसमें रेजिस्टेंस कम मिलेंगे और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ के यानी उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा आपको तो मिलेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ हम लोग मूव करते हैं सो क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है एस आई यूनिट ऑफ रेस्टिविटी इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेस्टिविटी की जो ऐसा SI यूनिट होती है ये आपको पता होना चाहिए ओम मीटर होता है रेस्टिविटी की जो ऐसाई SI यूनिट होती है ये होता है ओम मीटर आप आ, अगर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जानते होंगे तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं तो ऐसा यूनिट ऑफ रेस्टिविटी इज ओम मीटर कैसे होता है देख लीजिए आर इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए ये फार्मूला होता है लेकिन हमें क्या निकालना है रेस्टिविटी निकालना है तो मैं रेस्टिविटी का फार्मूला लिख देता हूँ फिर से रेस्टिविटी का फार्मूला क्या बनेगा रेस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए आर ए बाई एल आप सबका ऐसा यूनिट रख दीजिए सबका ऐसा यूनिट रखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा मैं आगे करता हूँ जगह नहीं स्पेस नहीं से मैं आगे करता हूँ आपको जो देखिए रेजिस्टेंस था रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है ओम एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर यानी कि मीटर इन मीटर और लेंथ का क्या होता है मीटर तो एक मीटर से एक मीटर कट गया तो रेजिस्टिविटी की जो ऐसा यूनिट आ गई वो ओम मीटर यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट रेस्टिबिटी की ऐसा यूनिट ओम मीटर होती है आगे क्वेश्चन नंबर एट की तरफ हम लोग मूव करते हैं सो क्वेश्चन नंबर एट कह रहा है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ वायर कनेक्टेड टू सेल यानी जब किसी भी वायर को सेल से कनेक्ट किया जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसकी क्या डायरेक्शन होती है तो ऑप्शन नंबर ए गलत है रैंडम मोशन कभी नहीं करता है यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट यानी हाई से लो लेवल चलता है तो जब मतलब जब भी होता है उसका अपोजिट डायरेक्शन करंट फ्लो करता है मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट हमेशा जो होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ और जो करेंट होता है वो पॉजिटिव से निगेटिव तरफ आता है तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल्स थ्रू द वायर यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिव से पॉजिटिव चलता है और जो करंट होता है वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आता है तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ हम लोग मूव करते हैं तो क्वेश्चन नंबर नाइन कह रहा है वन ओल्ट इज यानी वन ओल्ट बराबर कितना क्या होता है तो आपको पहले बताना ये बताना चाहिए कि ओल्ट किसका ऐसा यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस का पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वी से डिनोट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वी से डिनोट करते हैं और इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज आप इसकी एसआई यूनिट रख दीजिए तो वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है जूल और चार्ज का कोलम तो कोलम तो बोला नहीं यहाँ पर चार्ज है तो चार्ज ही मैंने रहने देता हूँ ठीक तो ऑप्शन नंबर वन कौन सा मिल रहा है यहाँ पे आप सब क्या के वन वन लगा लीजिए यानी वर्ल्ड वोल्ट इज इक्वल टू वन जूल बाई वन कोलम ऑफ चार्ज यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट ऐसे हम लोग किसी भी वन वोल्ट या वन अम्पियर ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं तो ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर नाइन का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ हम लोग मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर वन का सॉरी क्वेश्चन नंबर टेन कह रहा है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है ये स्टडी बताती है वो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी किसके बारे में पढ़ते हैं या क्या उसमें होता है तो मैं आपको बता दूं करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग चार्ज के बारे में नहीं पढ़ते हैं चार्ज इन रेस्ट के फॉर्म में भी नहीं पढ़ते हैं चार्ज इन मोशन के फॉर्म में जब होता है जब चार्ज हमारा मोशन के फॉर्म में होता है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर टेन को ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट यानी कि जब चार्ज हमारा मोशन में होगा तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा तो